प्यारे कक्षा 10 के प्रिय छात्रों, आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति का पहला पाठ सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता का क्या महत्व है या किसी भी देश का भविष्य कैसे तय करती है और देश के विकास में क्या महत्व अदा करती है, इस सबको जानने के लिए हमें पहले सत्ता क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। सत्ता की साझेदारी जानने के लिए पहले हम सत्ता क्या है यह जानते हैं। सत्ता का मतलब होता है शक्ति या अधिकार। सत्ता का मतलब होता है शक्ति या अधिकार, अर्थात सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को क्या करती है, प्रभावित करती है। हार्बर्ट साइमन ने सत्ता के विषय में कहा है कि सत्ता एक प्रकार की शक्ति है। हार्बर्ट साइमन ने कहा कि सत्ता एक प्रकार की शक्ति है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता शक्ति आती है तो वह उसका प्रयोग कैसे करता है, इसे जानने के लिए हम अर्थात कह सकते हैं कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को हम सत्ता कहते हैं। अब साझेदारी क्या है, वो किसी भी काम करने के लिए दो व्यक्ति मिलते हैं और अपना विचार विमर्श करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, समझौता करते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। समझ में आया? अब हम यह समझ रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है, सत्ता की साझेदारी क्या है, इसे समझने के लिए हम दो देश बेल्जियम तथा श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी को समझेंगे। बेल्जियम, अब बेल्जियम देखिए, बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक देश है, छोटा सा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमा जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। और इसकी आबादी की बात करें हम तो इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा अधिक है, यानी हमारे हरियाणा राज्य की आबादी की करीब आधी। इस छोटे से देश में, यह छोटा सा देश है, देश में समाज की जाति बनावट बहुत क्या थी, जटिल थी। देश की कुल आबादी जो थी 100% है, उसमें से 59% हिस्सा जो फ्लेमिश इलाके में रहता है और वह क्या करते थे, डच बोलते थे। शेष 40% लोग जो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं वह क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। 1% लोग क्या बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। वहां की क्या थी, या जाति बनावट थी, कहां की, बेल्जियम की। जबकि वहां की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां 80% क्या थे, लोग फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। और जबकि पूरे देश में 59% लोग डच बोलते थे जबकि 40% लोग फ्रेंच बोलते थे। राजधानी में क्या था, बिल्कुल उल्टा था। फ्रेंच लोग थे तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर थे।
बहुत बाद में जाकर जब क्या हुआ वहां बेल्जियम में आर्थिक विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, तो इसका लाभ पाकर के डच भाषी लोग इसका जब लाभ पाए, शिक्षा ग्रहण किए, जब जानकार हुए, तो डच भाषी लोग फ्रेंच भाषी लोगों के समृद्धि और ताकतवर होने की स्थिति से नाराज होने लगे, जिसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच क्या हो गया, तनाव हो गया। देखिए यह इलाका जो है फ्लेमिश, जहां डच बोलते थे, यह इलाका जो है जिसमें फ्रेंच बोलते थे, और यह उसकी राजधानी थी बेल्जियम, ठीक है। यहां क्या है, यहां 59% लोग जो है डच बोलने वाले थे, 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते थे, और जो 1% यह है वह जर्मन बोलते थे। लेकिन उसकी जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहां यह उल्टा था, यहां 80% लोग जो थे वह फ्रेंच बोलते थे, 20% लोग जो है डच बोलते थे। इसलिए यहां सबसे अधिक क्या हुआ, विद्रोह या नाराजगी देखने को मिली। और यही क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप कहां मिला देखने को, वह ब्रुसेल्स में मिला। यह एक विशेष तरह की क्या थी, समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से क्या थे, अपेक्षाकृत ज्यादा थे, कहां, बेल्जियम में। लेकिन धन और समृद्धि के मामले में क्या थे, कमजोर थे, किससे, फ्रेंच वालों से। और फ्रेंच वाले कमजोर और अल्पसंख्यक स्थिति में होने के बावजूद धन और समृद्धि के मामले में शक्तिशाली होने के कारण शासन कर सकते थे, किस पे, पूरे बेल्जियम देश पर। लेकिन बेल्जियम के नेताओं ने एक फार्मूला तैयार किया, जिसे हम बेल्जियम की साझेदारी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसमें जो जो नियम बनाए बेल्जियम के नेताओं ने, उन्हें हम बेल्जियम की साझेदारी के नाम से जानते हैं। अब बेल्जियम की साझेदारी क्या है, देखिए, बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों, वहां का जो क्षेत्रीय अंतर था और सांस्कृतिक विविधता को क्या किए, स्वीकार किए, कि यहाँ बहुत जटिल बनावट है समाज की और बहुत अधिक उन लोगों में क्या है, विभिन्नता है। इसको देखते हुए देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, और सभी लोग क्या करें, बेल्जियम में क्या करें, मिलजुल कर रहे। इसके लिए उन्होंने, कौन, बेल्जियम के नेताओं ने 1970 से 1993 के बीच उन्होंने क्या संविधान में 4 संशोधन किए। इसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था की वह बहुत क्या थी, काल्पनिक थी, बहुत क्या थी, अच्छी थी, काल्पनिक थी, तथा इसका कोई भी यूरोपीय देश ऐसा क्या करके नहीं कर पाया, जो उन्होंने व्यवस्था की अपने यहां शासन की, वैसा कोई भी यूरोपीय देश नहीं कर पाया, और एक अच्छी थी, अच्छा उदाहरण था। इसलिए उन्होंने जो भी संविधान संशोधन करके 1970 से 93 के बीच 4 संशोधन किए, अगर कि जो व्यवस्था स्थापित की वह एक कल्पनाशील थी, मतलब एक अच्छा उदाहरण था, जिसे हम बेल्जियम की साझेदारी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए बेल्जियम की साझेदारी का मॉडल जो उन्होंने बनाया, उसकी विशेषता क्या थी। अब देखिए संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अगर मान लीजिए 6 हो डच के होंगे तो 6 किसके होंगे, फ्रेंच भाषा के लोग होंगे मंत्री, और कोई भी
कानून तभी बन सकता है जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत हो। अगर मान लीजिए छठ इसके हैं और छठ इसके हैं, तो इसके अगर पांच तो तैयार हो गए, इसके दो थे, तो कानून क्या होगा? नहीं बनेगा। अगर इसके चार और इसके भी चार सहमत हुए, इसके पांच सहमत हुए, इसके चार, तो क्या हुआ? बहुमत हो गया ना। तो जब तक बहुमत नहीं रहेगा तब तक कोई कानून नहीं बन सकता। यह तभी बन सकता है जब उस कानून के पक्ष में दोनों समूहों के सांसदों मंत्रियों का क्या हो? बहुमत हो। इस प्रकार कोई भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि दोनों समुदायों के सांसदों मंत्रियों का स्पष्ट बहुमत न हो। और जिसे छह है तो छह में तीन, तीन होगा तो नहीं, चार और चार होगा, चार से ऊपर होगा, मतलब आधे से अधिक ऊपर होगा तब बहुमत माना जाता है। नहीं तो तीन इधर हो गए, तीन इधर हो गए, तो बहुमत नहीं हुआ, बराबर बराबर हो। इसलिए छह में चार हो गया, चार इधर, छह में पांच, चार इधर, मतलब तीन से अधिक, तब उसको हम क्या बोलेंगे? बहुमत मानेंगे। और इस तरह से जब दोनों समुदाय के लोगों का बहुमत होगा तभी कोई कानून पास होगा। दूसरा प्रावधान क्या किए, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों को काट के, ठीक है, इलाकों की सरकार जिसे हम क्षेत्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार कहते हैं को दे दिए गए, यानी अब राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारें के अधीन नहीं रही, वह स्वतंत्र थी कोई भी काम करने के लिए। अब उन्हें केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना था, उनके अलग नियम थे, अपने नियम थे, जिसके आधार पर वह क्या करती थी, काम करती थी। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार था क्योंकि इसमें दोनों समूहों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स में यह बात मानने के लिए इसलिए तैयार हो गए, स्वीकार किए समान प्रतिनिधित्व को, कि इस प्रस्ताव को डच वाले जो थे क्या थे, वह केंद्रीय सरकार में मान लिए थे और उनको क्या किए थे, बराबरी का प्रतिनिधित्व हिस्सा दिए थे। इसलिए फ्रेंच लोग जो है ब्रुसेल्स जो राजधानी थी वहां उनके समानता के अधिकार को क्या किया, मान लिया और एक सरकार का गठन हुआ। अब सरकार का गठन हुआ, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहां एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी जिसे क्या बोलते थे, सामुदायिक सरकार कहते थे। यह सरकार का चुनाव पूरे बेल्जियम में जो लोग जिसे फ्रेंच वाले थे उनकी अलग सरकार होगी, डच वालों की क्या होगी, जो सामुदायिक सरकार होगी अलग होगी, जो जर्मन भाषा वाले थे उनकी सरकार क्या होगी, अलग होगी। और इसका चुनाव पूरे बेल्जियम में रहने वाले उस भाषा जाति के लोग क्या करेंगे। और यह सरकार क्या करती है, यह सरकार जो है, संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर क्या करती है, कार्य करती है। इसके जो अधिकार जो दिए गए थे वह किन पे थे, या इन इन कामों पर, जिसे संस्कृति पर, शिक्षा पर और भाषा जैसे मुद्दों पर क्या करेगी, यह काम करेगी। यह वहां के तीसरे प्रकार की जो सामुदायिक सरकार थी, जो केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकार के अतिरिक्त जो सरकार थी उसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं, वह इन सब कामों मतलब तथ्यों पर काम करती करेगी। अब आप देखिए, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह जटिल था, पर यह व्यवस्था बेहद क्या थी, सफल रही। इससे मुल्क में क्या हुआ, गृह युद्ध नहीं हुआ, उसकी आशंकाओं को क्या हुआ, विराम लग गया। वरना गृह युद्ध की स्थिति होती, आपस में लोग लड़ते झगड़ते, तो बेल्जियम क्या होता, दो भागों में
बेल्जियम जो भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में क्या होता बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देश जो थे मिलकर जब यूरोपीय संघ का निर्माण किया, फैसला किया, तो बेल्जियम की अच्छाई को देखते हुए उन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया, बेल्जियम ब्रुसेल्स। मतलब बेल्जियम में जो सरकार थी उसकी अच्छाइयों को देखते हुए, मतलब एकता को देखते हुए, यूरोपीय संघ की एकता बनी रहे, इसलिए उसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी कहां बनाया, ब्रुसेल्स में। अब यही हम देखते हैं, देखिए वहां का मॉडल तो हमने देखा बेल्जियम का, अब देखिए श्रीलंका का देखते हैं। श्रीलंका क्या है, आप लोग श्रीलंका से भली भांति परिचित हैं, भारत के नक्शे में श्रीलंका को भी दिखाया जाता है, या इसलिए दिखाया जाता है कि भारत का 10 डिग्री चैनल को दिखाने के लिए, जो भारतीय क्षेत्र में है, दिखाने के लिए हम श्रीलंका के नक्शे को भी दिखाते हैं। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित क्या है, एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा राज्य के बराबर है। क्या आबादी दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह, दक्षिण एशिया जो सार्क है उसके जितने भी देश हैं उसी की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग क्या करते हैं, रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का कितना है, 74%। फिर तमिल आते हैं जिनकी आबादी कितनी है, कुल जनसंख्या का 18%। तमिलों में भी दो श्रेणियां हैं, एक जो श्रीलंका में तमिल थे, जो श्रीलंकाई तमिल थे जिनके माँ बाप वहीं के थे, उन तमिलों की संख्या की थी 13%। और एक तमिल जो था जो भारत से वहां गया था उपनिवेशिक काल में वहां बगानों में काम करने के लिए, और उनके माता पिता वहीं रह गए, ठीक है, और उनसे उत्पन्न जो संतानें थी उन्हें हिंदुस्तानी तमिल कहते हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर गौर करें या देखें तो इनकी संख्या लगभग कितनी थी, 5% थी। यह जो मैप है इसमें यह जो थे सिंगली थे, यह जो थे तमिल थे, और तमिल और कुछ जो ईसाई थे, जिनकी संख्या जो है 7% थी। श्रीलंका के आबादी में ईसाई लोग भी थे जिनकी संख्या जो थी 7% थी, जो क्या कहते सिंगली और तमिल दोनों बोलते थे, जबकि जो सिंगली थे वो बौद्ध बोलते थे और तमिल वाले जो थे वो तमिल भाषा बोलते थे, जबकि जो ईसाई थे जो 7% थे वह सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। अब श्रीलंका में बहुसंख्यक बाद वहां के नेताओं ने क्या किया, जो मॉडल प्रस्तुत किया उसे हम श्रीलंका में बहुसंख्यक बाद के नाम से जानते हैं। देखिए श्रीलंका जो था 1948 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक, और सिंगली समुदाय के नेताओं ने जो वहां के नेता थे जिनकी संख्या ज्यादा थी वहां उनके नेता ज्यादा थे, इसलिए सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर क्या किया, प्रभुत्व जमाना चाहा, शासन को अपने कब्जे में लेना चाहा। इस तरह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार, जो वहां की जो सरकार निर्वाचित हुई उनमें सिंगलियों का मतलब प्रतिनिधित्व ज्यादा था, ठीक है, इसलिए निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता मतलब शक्ति, प्रभुता में क्या होता है शक्ति, को कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत जो अपनी बहुसंख्यक संख्या थी उसका लाभ लेकर उसके तहत कई कदम उठाए। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए या कई ऐसे चीजों को लागू किया जो
यहां ये देश हित में क्या था, सही नहीं था। और जो बाद में उनके विकास में बाधक बना, गृह युद्ध में क्या हुआ, सहायक बना, इनके जो कदम उठाए गए, देखिए क्या हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल भाषा के जो लोग थे उनको क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, और सिंहली को, जो सिंहली भाषा थी, उसको राजभाषा क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं किए सिंहली नेताओं ने, सिंहली को राजभाषा घोषित करने के अतिरिक्त उन्होंने विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को क्या की, प्राथमिकता दी। जब कोई नौकरी वैकेंसी निकलती थी तो सिंहलियों के भर जाने के बाद जो स्थान बचते थे उस पे तमिलों की नियुक्ति की जाती थी, अगर नहीं बचे तो उनकी नियुक्ति नहीं की जाती थी। इसलिए प्राथमिकता देने की क्या की, नीति बनाई, कौन, सिंहली नेताओं ने, और इसी नीति पर चले। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को क्या करेगी, संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। बौद्ध मत सिंहली मानते थे, जबकि तमिल जो थे हिंदू धर्म से संबंधित थे और तमिल, इसलिए वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन सरकार क्या की, उन्होंने कहा कि हम, सरकार ने बौद्ध मत को क्या किया, संरक्षण दिया और बढ़ावा दिया। एक एक करके जो सरकारी फैसले आए उसमें श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन क्या हुआ, बढ़ा। जो भी निर्णय हुए उसे तमिल क्या थे, खुश नहीं थे, वह विरोध प्रकट करने लगे। उन्होंने, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी जो सिंहलियों की बहुलता थी, ठीक है, सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा, किसकी, तमिलों की, और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, चिंतित नहीं, उसे खत्म करना चाहती है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां, किसको, तमिलों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही हैं, वंचित कर रही हैं, उन्हें नौकरियों से वंचित कर रही हैं, अधिकारों से वंचित कर रही हैं, और वंचित कर रही हैं नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ क्या किया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा है। कौन समझ रहे थे, तमिल समझ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध क्या हुए, बिगड़ते चले गए, उनमें मनमुटाव हो गया, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना हो गई, जिसके चलते उनके संबंध इतने बिगड़ गए कि ग्रीस युद्ध की परिणति हो गई। अब श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर क्या किए, संघर्ष करने लगे। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार क्या किया गया, वहां की सरकार क्या की, नकारती गई। श्रीलंका की उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार, इलम का मतलब होता है सरकार, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन क्या हुए, बने। श्रीलंका तमिलों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और उनके अधिकार की रक्षा के लिए बहुत से राजनीतिक संगठन क्या हुए, बने। श्रीलंका के दोनों समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़ता गया,
जो टकराव का रूप ले लिया, जो भी युद्ध में क्या हुआ, परिणित हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के हजारों लोग क्या हुए, मारे गए, अनेक परिवार मुल्क से भागकर दूसरे देशों में क्या हुए, शरणार्थी बन गए, और लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र के देशों से आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में श्रीलंका का रिकॉर्ड क्या है, अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मूल में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी क्या हुई, परेशानियां पैदा हुई, जिसके तहत वहां के लिए वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन बाद में सभी लोगों को समझदारी हुई और 2009 में गृह युद्ध का अंत हो गया।